नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दैनिक सुविचार से। मित्रों, जब हम शांत रहना शुरू करते हैं, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कितना भी क्रोध में व्यक्ति आए, यदि शांत स्वभाव के व्यक्ति को देखता है तो उसका क्रोध भी उतर जाता है। तो आप सामने वाले व्यक्ति को क्रोधी नहीं देखना चाहते हैं तो अपने अंदर की शांति को बढ़ाना शुरू करें। अब देखेंगे आज का पंचांग। 23 जून 2019 रविवार का दिन है। शतवृष नक्षत्र षष्ठी आज तिथि है। अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि के व्यक्तियों का आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आज आप कुछ अच्छे प्रयास करेंगे और यह प्रयास सफल होंगे। परिजनों के माध्यम से भी लाभ की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के व्यक्ति आज परिजनों के साथ जितना आनंद लेना चाहते हैं उतना नहीं ले पाएंगे। दोपहर के बाद कुछ नए काम होंगे जिसके कारण आप स्वयं व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन आज जो भी करने जाएंगे उसके दूरगामी परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहना चाहिए। दिन बहुत अच्छा है, दिन कुछ खास भी है, कुछ अच्छे लोगों से आज मिलना भी होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा संयम रखें। विपरीत तो बातें हो सकती हैं, लेकिन जितना आप संयम रखेंगे उतने ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अपने भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, प्रगति का दिन है, कुछ अच्छा चिंतन करेंगे और चिंतन सार्थक भी होगा। परिजनों से भी लाभ मिलेगा और जो सोच आप आज बनाए बैठे हैं उसी से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज पारिवारिक दृष्टि से शुभ दिन है, परिजनों से लाभ प्राप्त होगा, साथ ही घर में कुछ मांगलिक कार्यों की चर्चा भी होगी और उसमें कहीं ना कहीं आपकी ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। परिजन आज आपसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन परिजनों के लिए आज आपको कुछ खर्च करना होगा दोपहर के बाद। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय अनुकूल रहेगा, परिस्थिति बेहतर है, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और जिन लोगों से आज आप संपर्क कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं उत्तम लाभ के भी योग बनते हैं। तो आज आप जिनसे भी मिलें अपने खुलकर मिलें, साथ ही अपनी बात अपना पक्ष रखने से भी आज नहीं चूकें। तुला राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल है, हालांकि आज थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं आपके कामों को लेकर, लेकिन इन बाधाओं पर प्राप्ति के लिए थोड़ा सा चिंतन करना होगा। अर्थात कोई कार्य शुरू करें उससे पहले उसकी एक छोटी सी प्रोफाइल दिमाग में तैयार रखें, उसके बाद कार्य शुभारंभ करें, लाभ मिल जाएगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, हाथ पैर दुख सकते हैं या खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसका आज विशेष ध्यान रखें। लेकिन जो भी काम करेंगे काम में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज मेहमान नवाजी के भी संकेत हैं। धनु राशि के व्यक्तियों का दिन आज शुभ है, विशेषकर घर से बाहर के कार्यों को करने के संबंध में। यदि आप घर में रहते हैं तो कुछ तनाव हो सकता है या यूं ही आलस में आज दिन गंवा सकते हैं, घर के बाहर के कार्य आज संपन्न हो जाएंगे। मकर राशि के व्यक्तियों का आज धन योग का अच्छा दिन है, कुछ नया करने के लिए भी आज अच्छा दिन है और वैसे आज नए कार्य का शुभारंभ दोपहर में करेंगे, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा, तनाव भी कम होगा। लेकिन जिन लोगों से आपको पैसे लेना है आज उनसे भी संपर्क आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, मानसिक तनाव कम होगा, बुजुर्गों से मिलना होगा या आपके रिश्तेदारों से आज मिलना भी हो सकता है और उनसे मिलकर खुशी बांटेंगे जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अनुकूल रहेगा, दिन थोड़ा सा खर्चीला जरूर है लेकिन आनंद की कोई कमी आज नहीं होगी। छोटी सी धार्मिक यात्रा के भी दोपहर में संकेत हैं, उससे भी आपको अच्छे आनंद की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह था आपका दैनिक राशिफल। अब देखते हैं आज का रामबाण। मित्रों, आज के रामबाण में हम बात कर रहे हैं, रविवार का दिन है और रविवार के दिन विभिन्न कलर के रंग के कपड़े पहने जाते हैं और उनसे लाभ भी मिलता है। साथ ही कुमकुम का तिलक मस्तिष्क पर लगा लिया जाए तो रविवार का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा आप करके देखें, लाभ अवश्य मिलेगा। मित्रों, आज इतना ही, कल नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर